दादा दादा पीछे से पीछे मैम साथ में भी ना मैम नहीं अभी साथ में नहीं भैया मैम हम लोग एक मिनट एक मिनट दिशा मैम दिशा मैम थाम ले आता रेडी आप मैडम ने लीजिएगा पार्टी सर मैम लाइट आ रहा है एकदम सारा जी इधर एक फोटो करके स्टूडियो मैम वेट 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 सारा जी वेट इधर वेट वेट मैम मैम रुक जाओ बस सारा जी इधर लेफ्ट में सारा जी एकदम लेफ्ट में हाँ सारा जी आप थैंक यू मैम थैंक यू कमी का मत लेना हाँ 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 बस जाने दो थाम ले आता रेडी आप मैडम ने लीजिएगा भले पार्टी सर मैम लाइट आ रहा है एकदम सारा जी सारा मैम यहाँ पे सारा जी इधर एक फोटो करके स्टूडियो मैम वेट 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 सारा जी वेट इधर वेट वेट मैम मैम रुक जाओ बस सारा जी इधर लेफ्ट में
सारा जी एकदम लेफ्ट में। हाँ सारा जी आप। थैंक यू मैम। थैंक यू। कमी का मत लेना। हाँ हाँ हाँ। बस जाने दो। वरुण भाई अरे सर ये तो लुक अच्छा लग रहा है। इसका मास देखो, इसको फोटो चाहिए। इसको मास में फोटो चाहिए। जा 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 जाना यहाँ पे। थैंक यू मैम। मैम मैम have a personal connect with it. It's been a part of my growing up also. And I've also shot Aashiqui in Goa. I've also shot 1 Million in Goa. I've shot 8 films in Goa. So to look at one film as the only way I listen, but I welcome this this change. Everyone has a right to say how they want to be projected and how they don't want to be. I think if they are willing to review scripts, and I think they used to kind of do that, but I would say that I would continue wanting to shoot in Goa as long as they allow me to do. Anil sir, do you have anything to say on this? So response that after the release, there was the Goa government decided to form a committee so that all the scripts will be vetted. My only thing with Mohit was here, that he didn't take me to Goa. The Goa portion is shot in Mumbai. So that's a grouse I have against him, because I didn't go to Goa at all. So Malang too, I think you better take me to Goa. To the last day he said, एक तो दिन चले जाते तो मलंग टू इज आपने हां आपने कहा मलंग टू नो नो एट द मोमेंट इज ओनली मलंग वन एंड ऑफ कोर्स एंड वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम सो यू नो वी जस्ट गॉट टुगेदर टू थैंक ऑल द बेसिकली थैंक ऑल द टेक्नीशियंस एंड ईच एंड एवरीबॉडी हु हैज यू नो एंड थैंक देम फॉर एंड थैंक द ऑडियंस आल्सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल हैव बीन आल्सो वेरी वेरी काइंड टू अस थ्रू आउट द फिल्म Thank you very much. Thank you guys. Thank you. Thank you. बाबा घर जाओ आराम करो यार। संभालो पीछे बाबा बच्चे बाबा आपका देने देते अर्जुन भाई हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दौर आएगा और हम सभी को ऐसे रहना पड़ेगा पर हमें शुक्र गुजार होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट रहने के लिए घर है दो वक्त की रोटी है सारी सुविधाएं भी हैं एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनके पास इनमें से शायद कोई भी सुविधा नहीं है
ऐसे वक्त में उनके काम आना और उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। अपने देशवासियों की ओर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप घर बैठे भी निभा सकते हैं। सो वाई डोंट यू ऑल ज्वाइन द हैशटैग मैं भी कोविड वॉरियर विच इज़ एन इनिशिएटिव बाय गिव इंडिया एक्शन एड एंड हेलो और डेली वेजेस पे काम करने वाले हमारे भाई बहनों को सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही सपोर्ट ये संस्थाएं भी करेंगी। तो आइए एक होकर इन ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आइए। नमस्कार। Okay, this is a difficult time and people are vulnerable, but there are some people that are bent on spreading false rumors. So please do not believe all the forwards and videos jeopardizing your health and safety. Only listen to the instructions given by government officials like the NCDC, the National Center of Disease Control, WHO, and real doctors. Please don't keep forwarding these messages. Break the chain of the virus and the ignorance and misinformation. Stay home, stay safe. घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद पे खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ। बता दूँ, मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में हैं, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को। भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे।